नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित को फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, अभी मेरे पास स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि जो हमारा सीट एक्सेप्टेंस फी है 20,000 रुपी, वो कब तक पे करना है हमें, कब वो जो 20,000 रुपी है उसको हमें पे करना होगा, एंड डॉक्यूमेंट्स कब तक अपलोड होगा, और जिन लोगों का डिस्क्रिपेंसी आया है उनके लिए क्या है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है हम लोगों को, और जो भी अपना प्रोसेस है इसके लिए, जो हमारा डेट रखा गया वो है 18 जून 2024 टू 20 जून 2024। तो 18 से लेकर के 20 तारीख के बीच में जो है वो हमको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है। इसी के साथ जो हमारा सीट एक्सेप्टेंस फी है 20,000 रुपी जो हमें पे करना है, वो भी 20 तारीख से पहले पहले तक कर लेना है, यानी कि 20 तारीख के शाम के 5 बजे से पहले पहले तक कर लेना है। बट आई सजेस्ट कि आप 19 तारीख तक ये सारी चीज़ें करके क्लियर कर लो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्योंकि अभी भी पोर्टल जो है वो ओपन हो गया है, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। अपना डॉक्यूमेंट आपको किस तरीके से अपलोड करना है एनसीएचएम काउंसिल के पोर्टल पे, उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ यहाँ ऊपर आई बटन में मैं दे रहा हूँ। इसी के साथ सीट एक्सेप्टेंस फी आपको कैसे पे करना है उसके लिए भी मैं अभी एक वीडियो डाल दूंगा आगे, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास उनका डॉक्यूमेंट ही रेडी नहीं है अभी तक, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया आपका, आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो गया एंड ऑल, और कुछ बच्चों के पास उनका 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, मीन्स 12th का मार्कशीट नहीं आया है, क्योंकि जो NIOS वाले NIOS बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अभी तक उनके पास नहीं है। तो आप एक अंडरटेकिंग फॉर्म फिल कर सकते हो, अंडरटेकिंग फॉर्म का जो PDF है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं उसके वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ साथ ऊपर आई बटन में है, तो आप वहां से देख लोगे। अब मेन था यहां पे कि जो 20,000 रुपी है सीट एक्सेप्टेंस फी, उसको कब तक पे कर सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, तो आप 20 तारीख से पहले पहले तक कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि आप 19 तारीख तक ये सारा प्रोसेस करके खत्म कर दो। अब वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, और अगर आपके प्रोफाइल में डिस्क्रिपेंसी निकल के आ गई है, डिस्क्रिपेंसी मीन्स आपने जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है, या तो आपका डॉक्यूमेंट्स विजिबल नहीं है प्रॉपरली, वो ब्लर होगा अच्छे से उसके, उसको आपने स्कैन नहीं किया, वो डाउनलोड फोटो आपने डाल दिया है, या फिर जो डॉक्यूमेंट्स लगना चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स नहीं होकर के कोई दूसरा डॉक्यूमेंट वहां पे आपने अपलोड कर दिया है, तो अगर ऐसा कुछ आप गलती करते हो तो उसके लिए डिस्क्रिपेंसी रेज की जाती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर यानी कि DVC की तरफ से, ठीक है। तो आपको रिमूव डिस्क्रिपेंसी का ऑप्शन मिल जाएगा, आप वो कर लेना। कई स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए मैसेज और ईमेल आ जाता है, कुछ स्टूडेंट्स के पास नहीं भी आता है, तो आप अपने प्रोफाइल को टाइम टू टाइम चेक करते रहो जब तक कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड नहीं हो जाता। उसको कैसे डाउनलोड करना है एंड ऑल, ये सब कुछ मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। 20 तारीख से पहले सब ये जो प्रोसेस है वो सब के ऊपर मैं वीडियो करके आप लोगों को बता देने वाला हूं। तो अभी बस इतना है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनके प्रोफाइल में डिस्क्रिपेंसी रेज हो गई है, तो आप देखो आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स में और किस रीजन की वजह से जो है वो आपका डिस्क्रिपेंसी रेज किया गया है, तो आप अपने डिस्क्रिपेंसी को रिमूव कर सकते हो। रिमूव करके जो सही डॉक्यूमेंट्स है उसको वहां पे अच्छे से क्लियर स्कैन करके वहां पे अपलोड करो, इस तरीके से स्कैन करो कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर है DVC में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे, वो इजिली उसको देख करके वेरीफाई कर पाए आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो विजिबल हो क्लियरली, तब जाकर के आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से वेरीफाई हो जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाएगा। गाइस अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें सभी स्टूडेंट्स के पास जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो NCHM काउंसलिंग और होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट लेने के लिए होटल मैनेजमेंट हेल्प यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, जिससे आने वाले सारे इंपॉर्टेंट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है, आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखो हर एक का रिप्लाई टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आपके हर एक टॉपिक के ऊपर में जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आ रहा हूं, जिससे एक नहीं बाकी हर एक स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।